Hello everyone, welcome to the EBS class. Children, today I am going to start a new chapter, chapter number 5, food. Food means bhojan. Thank you for helping me make a healthy burger. Ranveer eating the healthy burger he made. तो बच्चों, जो रणवीर की मदर है वह रणवीर से कहती है कि बर्गर एक अनहेल्दी फूड है, तो रणवीर ने कुछ हेल्दी चीजों से हेल्दी बर्गर बनाने का ट्राई किया. फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग. भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है. वी नीड फूड टू लिव, टू ग्रो, टू गेट एनर्जी. तो बच्चों, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है, हमें भोजन की क्यों जरूरत होती है? जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी के लिए. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें अपना अधिकांश भोजन पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त होता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन. There are some plants such as wheat and rice which give us food grains. तो बच्चों, कुछ plants जैसे कि wheat, rice ऐसे होते हैं जिनसे हमें food grains मिलता है, अनाज प्राप्त होता है जिनसे हमें. Wheat, गेहूं, rice, चावल, cereals and pulses are called food grains. There are some plants that give us fruits. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनसे हमें fruit प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं जिनसे हमें. You can see pictures of some fruits below. यहाँ पर कुछ pictures हैं fruits की, आप देख सकते हैं. These are mangoes, strawberries and chikus. There are some plants that give us vegetables. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनसे हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं. The pictures of some vegetables are shown below. यहाँ नीचे कुछ सब्जियों की पिक्चर दी हुई है. Look at this picture, children. Brinjals, bitter gourds and peas, मटर. Fruits and vegetables make us healthy. फल और सब्जियां हमें स्वस्थ बनाते हैं. Food from animals, जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन. We get meat from animals such as goat and sheep. कुछ जानवर जैसे कि बकरी, भेड़, इनसे हमें मीट प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है. वी ऑल्सो ईट फिश एंड चिकन. हम फिश, मछली एंड चिकन भी खाते हैं. गोट्स मीट इज नोन एज मटन. जो बकरी है, बकरी के मीट को क्या कहते हैं? मटन. मटन, चिकन एंड फिश. द वे वी कुक आवर फूड कैन मेक फूड हेल्थी एंड अनहेल्दी. तो बच्चों, जिस तरह से हम भोजन पकाते हैं वह तरीका भोजन को हेल्दी और अनहेल्दी बनाता है. बॉइलिंग एंड स्टीमिंग आर हेल्दी वेज. भोजन को बॉइल करके और स्टीम में पकाना हेल्दी वे होता है. फ्राइंग मेक्स द फूड अनहेल्दी. और भोजन को फ्राई करके, तल कर पकाना भोजन को अनहेल्दी बना देता है. सो चिल्ड्रेन, टुडे वी स्टॉप अवर क्लास हेयर एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे.